गुड मॉर्निंग बच्चों, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के रिवीजन वर्क में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को बताना है। तो उसका आंसर है द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट आर, आगे हम लोग बताएंगे वेदर। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर प्लेस में कम समय के लिए जो एटमोसफेयर का स्थिति होता है उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ए पर्टिकुलर डे द वेदर इज़ वार्म इन द आफ्टरनून। इसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेदर कंडीशन होता है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है द क्लाइमेट इन इंडिया में हॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज सॉइल कंटेंट। सॉइल में क्या क्या चीज़ होता है, मिट्टी में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। तो उसका आंसर है द सॉइल कंटेंट मिनरल स्पीसीज, ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड लिविंग थिंग्स, वाटर एंड एयर। तो सॉइल में ये सारे चीज़ होते हैं, मिनरल्स के पीसेस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड और लिविंग थिंग्स जो होता है जैसे जो मरे हुए जीव जंतु के अवशेष होते हैं या पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, पानी और हवा, ये सभी मिलके सॉइल का निर्माण करती है, यही सब सॉइल में होते हैं। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज आप लोग पढ़ें, एक रीन्यूएबल होता है, एक नॉन रीन्यूएबल होता है। रीन्यूएबल रिसोर्स उसको बोलते हैं जिसको हम लोग फिर से दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ दो रीन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम लिखने के लिए बताया गया है। तो दो इसका आंसर में लिखेंगे, टू रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स आर, दो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं एयर और वाटर। एयर और वाटर को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को, और अच्छे से याद कर लीजिएगा।